स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों को जस्टिन टेक के और एक नई कॉन्सेप्ट वीडियो में। नोकिया का ए 5G बेस्ड स्मार्टफोन दुनिया का पहला 5G स्मार्टफोन हो सकता है और ये दुनिया का पहला 108 मेगापिक्सल्स बैक साइड में ट्रिपल लेंस कैमरा के साथ में आने वाला स्मार्टफोन भी हो सकता है। इसमें खास बात दो कहा जा रहा है, एक होगा 5000 mAh बिग बैटरी पिकअप, साथ में ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, साथ साथ बैक साइड में रियर अमोलेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने के लिए मिल सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। बढ़ेंगे स्मार्टफोन की स्क्रीन से 6.8 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा और सुपर अमोलेड डिस्प्ले होगा और साथ में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की मदद से स्क्रीन की प्रोटेक्शन दी जाएगी और बैक की प्रोटेक्शन भी दी जाएगी। बैक साइड में सिंगल फ्लैश और फ्रंट साइड में कोई फ्लैश नहीं, एक पॉपअप सेल्फी कैमरा होगा जो भी 32 मेगापिक्सल की DSLR सेल्फी कैमरा हो सकता है। प्रोसेसर की बात करें तो कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर इस स्मार्टफोन में देखने के लिए मिल सकता है और ये भी कहा जा रहा है कि इस कैमरा टेक्नोलॉजी में सोनी IMX वाला सेंसर यूज किया जा सकता है। और बात करेंगे इस स्मार्टफोन की रैम और इंटरनल स्टोरेज से, तो यहाँ पर 6GB RAM 8GB RAM दो वेरियंट के ऊपर ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा, तो 128GB 256GB इंटरनल स्टोरेज इस स्मार्टफोन की कह सकते हो, एक्सपांडेबल कर सकते हो अलग माइक्रो SD कार्ड लगाकर अप टू 512GB तक। तो फिलहाल इसकी रिलीजिंग डेट देखे तो फिलहाल के लिए ये स्मार्टफोन कॉन्सेप्ट है, तो आने वाले दिनों में शायद रियलिटी में आता है तो ये देखने वाली बात बनती है। तो गाइस ये थी स्मार्टफोन की कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आए, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स से दिखाने के लिए शेयर कर दीजिए और मैं मिलता हूं आपको और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।